Hi guys my name is Uma Sarva welcome back to my channel in today's video we're going to talk about Kafuskare university of Venus. so in this video i'll tell you that what are the requirements application deadline and application process to apply in bachelor and master degree program in Kafuskare university of Venus. so before jumping into the application process i want to tell you something about this university it's a public university and it was founded in 1868 the acceptance rate टू अपलाई इन दिस यूनिवर्सिटी इज़ फोटी परसेंट टू फिफ्टी परसेंट एंड द एवरेज सी जी मिनिमम एवरेज सी जी पी टू अपलाई इन दिस यूनिवर्सिटी इज टू पॉइंट फाइव एंड सो इफ यू वॉन्ट टू अपलाई फॉर बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम सो योर मिनिमम एवरेज सी जी पी ए शुड भी मोर दैन टू पॉइंट फाइव वर्ल्ड वाइड इसका जो रैंकिंग आती है दैट इज़ एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी अंडर थाउजेंड तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यूरोप में इसका नंबर थ्री हंड्रेड एंड नाइनटीन है और इटली में थर्टी फोर और वेनेटो डेट इज द रीजन ऑफ इटली इसमें इसका नंबर थर्ड पे है सो ना जम्प इन टू द एप्लीकेशन प्रोसेस फर्स्ट स्टेप इज टू राइट नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ओके का यूनिवर्सिटी वेनिस मैंने एक्चुअली अपना अकाउंट पहले बना लिया था लेकिन अब मैंने साइन आउट किया समझाने के लिए तो अब मैं करती हूँ यहाँ पे आप लोग देखिएगा फ़ाइंड प्रोग्राम्स आप यहाँ से अपने प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं ओके बैचलर डिग्री प्रोग्राम मास्टर डिग्री प्रोग्राम आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और जो जो प्रोग्राम ओपन है जिनकी डेडलाइन वो यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा अच्छा अब हम लोग रजिस्टर करते हैं यहाँ पे देखिए राइट साइड पे साइन इन एंड रजिस्टर का ऑप्शन है क्लिक ऑन दिस वन मैं यहाँ पे ईमेल आईडी देती हूँ अपना कंटिन्यू किया कंटिन्यू करके सेंड अ वन टाइम लिंक और रजिस्टर ओके मैंने ये क्लिक कर दिया टू ज़ीरो सेवन फ़ोर इसको मैं कॉपी करके कहीं पे अपने पास रख लूँगी अच्छा मेरे पास एक ईमेल भी आई है तो मैं ईमेल चेक कर लेती हूँ मेरे पास ये ईमेल रिसीव हो गई है अब मैं इसको क्लिक करती हूँ क्लिक टू रजिस्टर यहाँ पे जो मेरा लिंक था मैंने कॉपी किया था इसे मैं वेरीफाई कर देती हूँ अब देखें यहाँ पे मेरा नेम वग़ैरह सारा कुछ आ गया तो मैं इसको अप्रूव कर देती हूँ अप्रूव करने के बाद ये मुझे इस जगह पे लेके चला जाएगा यहाँ पे आके मैंने कंट्री नेम चेंज करना है माई सिटीजनशिप मेरी चेंज होगी जो भी आपकी सीटिजन शिप है आपने वो कर देनी है यहाँ पर सपोज आई बिलोंग टू पाकिस्तान आई हैव अ रेफरेंस कोड वो मैंने कर दिया ओके okay. कंटिन्यू पे क्लिक किया कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे आई ओपन हो गया है uh, मेरा लॉग ठीक है अब यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन पर जाना है राइट लेफ्ट साइड पे एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया कंटिन्यू यू डोंट कैट है स्टडी प्रोग्राम आफ्टर यू हैव फाउंड वेयर यू यूट्लाई टू अप्लाई टू क्लिक नाउ ओके हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिएगा सर्च ऑल डिपार्टमेंट चूज योर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अगर आप अपने कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा जैसा लाइक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट हो गया मालिक्युलर साइंस नैरोस्टम इस तरह का कोई भी हो गया आपने यहाँ से चेक कर लेने आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि फ़ाइन प्रोग्राम्स आपका यहाँ पे नीचे आएंगे तो हर डिपार्टमेंट की डेड लाइन यहाँ पर मेनशन है वो आपको पता चल जाएगी हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट है किसी की अप्रैल में है किसी की ट्वेंटी फोर ऑफ़ मार्च भी है ठीक है डिफ़रेंट डेड हैं हर डिपार्टमेंट की वो आपने यहाँ पे चेक कर लेनी है अब सपोज़ मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक किया इसकी जो डेडलाइन है ट्वेंटी फोर ऑफ़ मार्च है इस पर मैंने क्लिक किया इस पर मैं क्लिक करके देखिए यहाँ पे प्रोफाइल आ गई है प्रोफाइल मैंने कंप्लीट करनी है पासपोर्ट नंबर वग़ैरह जो भी है एक्सपायरी डेट आपने देख लेनी है कि जो भी एक्सपायरी डेट आपके आ, उस पर है पासपोर्ट पर वो आपने चेक कर लेनी है जेंडर फीमेल आई डी कार्ड नंबर इज ऑप्शनल सिटीजनशिप पाकिस्तान कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ गया पाकिस्तान अच्छा डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिख देनी है कंट्री ऑफ बर्थ हो गया जो भी आपके कंट्री ऑफ बर्थ है आपने वो लिख देना है प्लेस ऑफ बर्थ आपकी आपका सी हो जाएगा जी सी में आप पैदा हुए हैं ओके वर्चुअल इटैलियन टैक्स कोड आपके पास अगर टैक्स कोड है मींस ये होता है अगर आप ऑलरेडी इटली में हैं और आपको एक ऑडिज फिस्काले ही मिलता है जो कि आईडी कार्ड नंबर होता है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है बट अगर आप इटली में नहीं हैं और यू आर नॉट इटालियन तो आपको कोडिज फिस्काले लिखने की जरूरत नहीं है ये खुद ब खुद यहाँ पे जनरेट हो जाएगा यहाँ पे अपने अपनी फॉर्मल फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देनी है कर देनी है इसके अलावा नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग कांटेक्ट पे कांटेक्ट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस हो जाएगा हाउस नंबर हो जाएगा सिटी प्रोविंस रीजन आपका हो जाएगा पोस्टल कोड जिस एरिए में आप रहते हैं और जिस कंट्री में आप हैं आपने वो लिख देना है ये करने के बाद आपने सबमिट का बटन नहीं प्रेस करना सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे देन आप आ जाते हैं एजुकेशन पे एजुकेशन पे आप देखें कि लेवल ऑफ़ एजुकेशन इफ़ यून ऑन अप्लाई फॉर बैचलर देन सेकेंडरी एजुकेशन आपने लिखनी है ठीक है यहाँ पे आपने अपनी ग्रेजुएशन डेट जिस डेट को आपके एजुकेशन मींस इंटर कंप्लीट हुआ था वो आपने यहाँ लिख देना है ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी जिस स्कूल से जिस कॉलेज से आपने किया अपना इंटर उसका नेम प्रोग्राम नेम मेडिकल में किया इंजीनियरिंग में किया या मैनेजमेंट में किया उसका सारा नेम लिख देना है नोविल लेंथ ऑफ प्रोग्राम ये आपने अपने प्रोग्राम का लेंथ लिखना है आइदर दैट इज़ फॉर टू ईयर्स थ्री ईयर्स और फोर ईयर्स वो आपने यहाँ मैंशन कर देना है कंट्री का किस कंट्री से किया था पाकिस्तान से किया था तो पाकिस्तान कर दें किस सिटी से किया था वो आपने कर देना है स्टडी लैंग्वेज आपने इंग्लिश करनी है क्योंकि हमारी जो इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट है उसमें यही मेंशन है कि जो स्टडी है हमारी वो इंग्लिश में हुई हुई है चाहे आपने इंग्लिश में की है या नहीं की लेकिन आपने लिखना इंग्लिश में है लैंग्वेज में आ जाते हैं नेटिव लैंग्वेज हमारी जो है दैट इज उर्दू उर्दू भी कर लेते हैं मोटिवेशन हो गया अच्छा मोटिवेशनल लेटर यहाँ पे आपने अपना लिखना है आपने जो भी आपका मोटिवेशनल लेटर होगा आपने एटलीस्ट ट्वेल्व हंड्रेड वर्ड्स का आपने मोटिवेशनल लेटर यहाँ पे करना है बट नॉट मोर देन टू थाउजेंड करेक्टर्स टू थाउजेंड करैक्टर नहीं होना चाहिए याद रखिएगा सबमिट का बटन नहीं प्रेस करना वैसे भी सबमिट होगा नहीं क्योंकि इन्फॉर्मेशन अभी जो है वो इनकम्प्लीट है नेक्स्ट हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स पे नो डॉक्यूमेंट्स हैव बिन अपलोडेड वी हैव टू अपलोड अवर डॉक्यूमेंट्स अपलोड एनी पी डी एफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर ऑपटेनिंग स्कैन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स यू कैन ड्रैग दैम इन टू द बॉक्सिस दैट अपेयर इन द टास्क सेक्शन ऑफ द चेक लिस्ट ओके अदर्स पे आते हैं हम लोग अदर्स पे आके हमारी मेडिकल इंफॉर्मेशन आ जाएगी एडिशनल रिक्वेस्ट आ जाएगा और इंफॉर्मेशन सोर्स के आपको कहाँ से इस यूनिवर्सिटी युण, के बारे में पता चला है लाफुसारे वेबसाइट आपको यहाँ से पता चला है चेक लिस्ट में हम आते हैं चेक लिस्ट पे आगे आप ये देखें कि एप्लीकेशन फी पेमेंट अभी तक अगर आपने पे नहीं की हम इसे क्लिक करते हैं नॉट गेट फेड अगर अभी तक फेड नहीं की तो आपने फाइनलाइज योर पेमेंट बाय क्लिकिंग हेयर टू बी डायरेक्टेड डिडेक्ट टू द पेमेंट वेबसाइट आपने इस वेबसाइट पे जाना है और आपने अपनी फी पे कर देनी है उसके बाद हम लोग जाते हैं रेजिडेंस परमिट रेजिडेंस परमिट आई डोंट हैव अ रेजिडेंस परमिट सो आई विल अप्लाई फॉर अ वीजा फॉर स्टडी ओके येस हम लोगों ने यहाँ पे कर देना अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है ऑलरेडी तो आपने उसकी फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर देनी है उसके बाद नेक्स्ट पे वीज़ा रिक्वेस्ट प्रोसेस हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों ने से आई अंडरस्टैंड इस पर क्लिक किया और और इसे क्रॉस कर दिया प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफेशनस जो भी आपके पास है इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट है या आपके पास वो है Uh, क्या कहते हैं आइल्स वगैरह है आपने वो अपलोड कर देना है यहाँ पे आप लिख दें आई डोंट हैव ओके आई हैव अपलोड अगर आपने अपलोड कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट्स में तो आपने यहाँ पे लिख देना है इसके अलावा एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके जो बैचलर डिग्री वगैरह जो भी आपकी डिग्री है आपने यहाँ पे देख लेना है कि अगर अभी आपने अपलोड की है कि नहीं की और अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे आएँ यहाँ पे आके आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करते जाने हैं ये हो जाएगा उसके बाद आप आए पासपोर्ट पे पासपोर्ट की पिक्चर हो जाएगी सी सीवी।, सीवी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है सीवी जस्ट लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपना अपलोड कर देती हूँ उसे सी करके ओके आई हैव अपलोड माई सी इसको मैंने किया एंड देन ओके सी वी मेरी हो गई है यहाँ पे इसको मैंने क्रॉस कर दिया क्रॉस करके देखें यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट करती जाऊँगी वहाँ पे टिक मार्क आता रहेगा पासपोर्ट किया उस पर भी टिक मार्क आ जाएगा ये सारी चीज़ें आप जैसे ही करते जाएंगे आपके पास टिक मार्क आता रहेगा जब वो आ जाएगा सेव एज ड्राफ्ट एंड सबमिट का आपने बटन प्रेस कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी आपको कुछ दिनों तक तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ई रिसीव हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है कि नहीं हुई ओह सॉरी एक्सेप्ट हुई है कि नहीं हुई आपकी इन ताला एक्सेप्ट हो जाएगी इनशाला इनशाला आप बस अप्लाई कीजिए इस टाइम पे सिर्फ अपना फोकस रखें कि आप जितना अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है यू कैन आस मिन द कमेंट बॉक्स आई एम अवेलेबल फॉर यू टू गाइड यू एंड इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाफ़